हेलो एवरीवन, सो वेलकम टू आवर न्यू टॉपिक। तो आज का जो टॉपिक है वो है पर्संस डूइंग एनालिसिस। जब एनालिसिस की जाती है तब हमें क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने होते हैं, ठीक है। इससे पहले मैंने आपको आइडेंटिफाई द हज़ार्ड और पोटेंशियल बताया था, एक्सीडेंट पोटेंशियल, जो कि इंडस्ट्रियल सेफ्टी का पार्ट है। अब नेक्स्ट है पर्सन डूइंग द एनालिसिस। जब पर्सन एनालाइज कर रहा होता है तो उसको क्या क्या चीज़ें उसे नोट करनी होती हैं और क्या क्या चीज़ें वो उसे देखना होता है, चेक करना होता है, जिसकी वजह से हम क्या कर सकते हैं, एडवांटेजेस लेके उनको हम आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है, कि हमारे पास ये एडवांटेजेस हैं, हम आगे बढ़ सकते हैं, या फिर हमारी जॉब सेफ्टी में क्या क्या चीज़ें हमें इम्प्लीमेंट करनी है उनके बारे में हम डिसीज़न ले सकते हैं, ठीक है। तो देखिए क्या होता है, जब जॉब सेफ्टी एनालिसिस हम करते हैं तो उस समय पे हम क्या करते हैं, हम ये देखते हैं कि जो पर्सन जो काम करने वाला है क्या उसको सुपरवाइज कौन कर रहा है, ठीक है, सुपरवाइजिंग के लिए उसे किसे रखा गया है और क्या वो उस काम के बारे में जानते हैं, ये सारी चीज़ें तो हमने चेक की। अब हम ये भी देखेंगे जिस मशीन पर वर्क करना है उसकी जो शीट बनेगी, जिसे बोलते हैं जॉब ब्रेकडाउन शीट, ठीक है, तो उसमें क्या रहेगा, उसमें ये चीज़ें रहेंगी, जैसे कि यहाँ पे इतना शो नहीं कर रहे हैं, इसमें इंपॉर्टेंट स्टेप की पॉइंट्स और रीज़न लिखा है, पर यहाँ पे एग्जैक्टली रहता है हज़ार्ड्स और प्रिकॉशन रहते हैं, ठीक है। डिस्क्रिप्शन रहता है काम करने का, उसको हज़ार्ड रहता है, प्रिकॉशन रहता है। तो डिस्क्रिप्शन में जैसे कि हम मशीन का कर रहे हैं, हम एनालिसिस किस पे कर रहे हैं, मशीन पे कर रहे हैं, तो हमने मशीन स्टार्ट की, अब हमने उसमें हज़ार्ड क्या देखा, उसमें ब्रेकेज व्हील, मतलब कोई एक व्हील है जो कि अटक अटक के चल रहा है, जिसकी वजह से अगर उस व्हील के कांटेक्ट में आते हैं तो क्या हो सकता है, एक्सीडेंट हो सकता है, और उसके प्रिकॉशंस अब हमें चाहिए, मतलब समझे आप कैसे क्या करा हमने। हम जॉब ब्रेकडाउन शीट बना रहे हैं, उसमें हमें क्या करना है, हमें ये बताना है कि जब भी हम किसी पे एनालाइज क्या कर रहे हैं, अभी तो हम एनालिसिस कर रहे हैं, अब एनालिसिस करने के लिए हमें जॉब ब्रेकडाउन शीट बनानी है। अब हम जिस भी चीज़ का एनालिसिस कर रहे हैं, मशीन का कर रहे हैं, हॉल का कर रहे हैं, या किसी व्हीकल का कर रहे हैं, तो वो लिखेंगे, ठीक है। तो हमने सबसे पहले मशीन का करा है, तो हमने मशीन स्टार्ट करी, उसमें क्या क्या हैज़ार्ड्स आए वो हमने नोट किए, जैसे मशीन में जो व्हील था वो ठीक से काम नहीं कर रहा था, उस पर गार्ड नहीं लगा था, मतलब वो कवर नहीं था, ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो हज़ार्ड में क्या आया, पहले तो यही आया कि उसका जो व्हील था वो ब्रेकेज हो रहा था, मतलब वो टूट अटक अटक के चल रहा था, ठीक है, व्हील ब्रेकेज हो रहा था। तो हमने प्रिकॉशन में क्या लिया, हमने चेक किया, उसे एडजस्ट किया, हमने उसे ठीक से फिक्स किया, उसके बाद उसको जो भी टूल के साथ उसे फिक्स करना था वो हमने किया, और उसमें सेफ्टी मतलब पीपीस पहन के उसे किया, करना है हमें वो काम, और जो भी व्हील है उसको हमने कवर कर दिया किससे कि कोई एक्सीडेंट ना हो सके, ठीक है। तो हमने हैज़ार्ड भी फाइंड आउट किया और प्रिकॉशंस भी दिया। फिर नेक्स्ट हमने क्या किया, कहीं पे हमने कोई एक जॉब मतलब एक रूम है उसमें हमने देखा कि इसमें क्या क्या काम चल रहा है, ठीक है। तो हमें वहाँ पता लगा कि जो रूम है उधर की हाउसकीपिंग, मतलब एक हॉल है, मतलब कोई आप ये समझिए प्रोडक्शन किसी चीज़ का चल रहा है, तो वहाँ पे क्या बॉयलर्स वगैरह लगे हुए हैं और बहुत सारा काम चल रहा है, तो वहाँ पे हाउसकीपिंग नहीं है ठीक से, ठीक है। तो हमने एनालाइज़ किया, जब हाउसकीपिंग प्रॉपर मेंटेन नहीं है तो क्या क्या तरीके के एक्सीडेंट हो सकते हैं, तो हमने उसका जो भी रफ़ और शार्प जो स्पेस पड़ा हुआ था, रफ़ स्पेस पड़ा हुआ था जहाँ पे सामान फैला पड़ा हुआ था, हमने वो सारी चीज़ें नोटिस की, हमने वहाँ क्या किया, फिर साफ़ सफाई करी, प्रॉपर मेथड यूज़ किया, स्टोरिंग करवाई, मतलब जो सामान जहाँ था वहाँ पे रखवाया, ये सारी चीज़ें हमने की, ठीक है। तो ये हमने जॉब ब्रेकडाउन शीट में मेंशन किया कि हमने ये देखा और हमने ये ठीक किया, ठीक है। फिर हमने और भी ऐसे आगे बढ़े, हमने और चीज़ें देखी, जैसे कि वहाँ पे कुछ ऐसा सामान बिखरा पड़ा हुआ है, ऑयल जैसे ग्रीस जैसी मटेरियल जिससे कि लोग फिसल सकते हैं, है ना, और कुछ ऐसे मटेरियल रखे हुए हैं जिनसे कि चोट लग सकती है, तो उनको हमने ठीक किया। तो इस तरीके से हमने हाउसकीपिंग वहाँ की मेंटेन की। तो जब भी पर्सन उसकी एनालिसिस कर रहा है, जब एनालिसिस कर रहा है वो, तो वो ये भी एनालाइज कर लेगा कि यहाँ क्या क्या चीज़ें हैं जिसे हम ठीक कर सकते हैं, तो हमें जॉब ब्रेकडाउन शीट बनाने की उसके लिए ज़रूरत रहती है। उसके बाद हम उसमें हैज़ार्ड और प्रिकॉशन दोनों मेंशन करते हैं, ठीक है। अब हमारे एडवांटेजेस क्या क्या हुए इससे, हमने सारी चीज़ें देखी, ऑब्जर्व की, और हमारा हज़ार्ड का जो पोटेंशियल था वो कम हो गया। हमने सुपरवाइजिंग की, उसकी उसके मेथड्स को समझा, अपने एम्प्लॉयज़ को समझाया और होने वाले एक्सीडेंट्स को रोका, ठीक है। और क्या किया हमने अपनी जॉब और वर्क प्लेस को दोनों को सिक्योर किया और सेफ।
ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया, ये हमारी एक तरीके की ट्रेनिंग हो गई एम्प्लॉयज़ के लिए। जैसे कि जब हम एनालाइज़ कर रहे हैं तो हमने हज़ार देखा तो हम अपने आसपास के एम्प्लॉयज़ से तो कहेंगे ये काम में खराबी है, आप ये प्रिकॉशन लेके से ठीक कीजिए। तो ये एक तरीके से ट्रेनिंग भी हो गई पुराने और नए बंदों दोनों की। ठीक है, सेफ्टी प्रोसीजर भी फॉलो हो गया हमारा। हमारा एक गुड एड, मतलब जो हमने जो किया पहले से एक स्टेप आगे लिया, उसका एक वेल मेंटेन्ड एक वेल मेकिंग प्लान बन गया, जो कि इफेक्टिव सेफ्टी इंस्पेक्शन भी शो कर रहा है। हमारा एक सेफ्टी इंस्पेक्शन ही तो हुआ ही एक तरीके से, कि हमने ये एक्सीडेंट को रोका, हमने ये हज़ार निकाले, उसके बाद प्रिकॉशन लेके हमने उसे ठीक कर दिया। तो हमारा ये एक सेफ्टी इंस्पेक्शन तरीके का भी हो गया। ठीक है, और हमने अपना इम्प्रूवमेंट किए, अपने इनडायरेक्ट रिजल्ट्स भी लाए इसमें अपने जॉब मेथड्स में। ठीक है, तो देखिए हमारे इससे कितने सारे फायदे हुए, हमारे एडवांटेजेस कितने सारे हो गए। हमारा एन वक्त पे ट्रेनिंग भी हो गई, हमने एन मौके पे सेफ्टी इंस्पेक्शन भी कर लिया, हमने अपने इफेक्टिवनेस भी दिखा दी, हमने अपने स्टेप्स जो जो हम सेफ्टी के लिए ले रहे हैं वो भी शो कर दिया। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये हमें बताती हैं, ये छोटे छोटे स्टेप्स लेने से हम इस तरीके से एक्सीडेंट से बच सकते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या था, जब कोई भी हम चीज़ एनालाइज कर रहे हैं तो हम उसमें जॉब ब्रेकडाउन शीट बनाएंगे, जिससे कि हम पता लगा सकें कि हम जो जो चीज़ें हम चेक करी हैं, हमने चेक की हैं, क्या वो ठीक से चल रही है नहीं चल रही है, तो उसमें क्या क्या हैज़ार्ड है, क्या क्या हम प्रिकॉशंस दे सकते हैं एक्सीडेंट को रोकने के लिए। ठीक है, तो ये मैंने आपको जो पर्सन डूइंग एनालिसिस, मतलब एनालिसिस करना सिखाया किसी हैज़ार्ड को एनालाइज करने के लिए, तो उसके लिए क्या ज़रूरी रहता है। तो जॉब ब्रेकडाउन शीट मैंने बताई आपको कि जॉब ब्रेकडाउन शीट क्या होती है, उसका मतलब क्या होता है। ठीक है, इससे पहले मैंने आपको ये समझाया था कि हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे हैज़ार्ड। तो हैज़ार्ड जब आइडेंटिफाई कर लेंगे तो हमें ब्रेकडाउन शीट बनाने की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, सो थैंक यू।